बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेंडा कंपनी के वाईफाई कैमरे का रिव्यू करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि टेंडा कंपनी वाईफाई के प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है, तो इसी का एक प्रोडक्ट हमारे पास आया है जिसको टेंडा वाईफाई कैमरा कहते हैं। ये स्मार्ट कैमरा है और मल्टी फंक्शन के साथ आता है, जिसमें स्मार्ट ट्रैकिंग, टू वे टॉकिंग और काफ़ी इसमें यानी कि लेटेस्ट फंक्शन इन्होंने ऐड किए हैं। क्लाउड फ्री सर्विस है इसकी 2 माह के लिए, और इसके अलावा ये मोशन डिटेक्टर और 360 एंगल कवर करता है। तो इसको 1080 रेजोल्यूशन में HD कैमरा है। ये इसका बारकोड है जिसके ज़रिए आप इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर ये इसका मॉडल नंबर है और 2 मेगापिक्सल में ये कैमरा है। तो बाकी हम इसको अब खोलते हैं, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं इन्होंने, और इसके बॉक्स में क्या मौजूद है। तो अगर आप घर के लिए वाईफाई डिवाइस कैमरा को देख रहे हैं तो ये भी टेंडा कंपनी का एक वाईफाई कैमरा है, काफ़ी अच्छे मटेरियल के साथ है। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, पैकिंग को रिमूव कर लेते हैं। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग में ये है। तो हम सबसे पहले इस डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं। लो जी, कैमरा आ गया अपनी पैकिंग से बाहर, जैसे कहते हैं बिल्ली आ गई थैले से बाहर। तो ये स्मार्ट कैमरा 552 मेगापिक्सल, 1080 रेजोल्यूशन, 2-way टॉकिंग, मोशन डिटेक्टर और तकरीबन सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो जैसा कि डिवाइस की बात कर ले तो डिवाइस काफ़ी अच्छे मटेरियल में है, जिसे पता लग रहा है मुझे हाथ में पकड़ा हुआ है तो पता लगता है, महसूस होता है कि काफ़ी अच्छे मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कंपनी के। और बाकी इसकी देखते हैं बॉक्स में और इन्होंने क्या हमें दिया है। ये जी बस इतना कुछ ही है जी इसमें, एक और चीज़ निकल आई है। चलो बॉक्स हो गया खाली, इसको कर दो साइड पे। जी ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है, जिसके इसमें इसकी कॉन्फ़िगर करने की इंफॉर्मेशन दी है कि आपने मोबाइल के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये इसके स्क्रू आ गए इसे वॉल पे माउंट करने के लिए, और ये साथ इसके एक स्टैंड है जिसके ज़रिए ये वॉल पे हैंग होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये जी स्टिकर है, जिसके ज़रिए आपको ड्रिलिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद ये इसकी इंफॉर्मेशन गाइड है, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। चलो जी, ये आ गया इसका अडाप्टर, जो कि काफ़ी लंबी वायर के साथ है और अच्छे मटेरियल का है। अब हम डिवाइस की बात करते हैं जी। ये सामने इसका लेंस है, टेंडा इस पर मेंशन किया हुआ है। बैक साइड पे इसका बार कोड है, जिसके ज़रिए आपने इसको एप्लीकेशन में स्कैन करना है और उसकी बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पीछे DC पोर्ट है जिस पर आपने अडाप्टर अटैच करना है, और ये पीछे आपको इसका स्पीकर नज़र आ रहा है। और बात कर लें इसकी SD कार्ड डालने की जो जगह है, वो जी यहाँ पे है इसके SD कार्ड का डालने की जगह, और साथ ही इसके बटन दिया हुआ है रीसेट करने के लिए। जब आपने कहीं नई डिवाइस पे ऐड करना है तो ये बटन से रीसेट होगा,
इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ओके, ये मूव करता है 360 ऊपर नीचे साइड पे ये मूव करता है। तो ये जी हो गया मुकम्मल। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसकी कीमत की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में अवेलेबल है।